हाँ जी आ जा जी, हमारा दूसरा दिन, हम लेके आए हैं नई कोन और बैरिंग। बैरिंग अभी लड़का धो रहा है, तो अभी कोन ठोकते हैं। पहले इसमें लगेगा टाइम थोड़ा सा। तो दोस्तों हमने कोन दिए जी ठोक, और ये होती है एक प्लेट, ये लगेगी पिनियन पे पहले, इसके ऊपर आएगा बैरिंग, तो इसी प्लेट के ऊपर हमारी सील चलेगी, इसके बाद सील डाल के दिखाएंगे। तो इसमें ना अंदर ओरिंग होता है, आई कैन यू कैप्चर दिस ओरिंग, और ये ओरिंग ऐसे जाएगा प्लेट में। ये बहुत टाइट जाता है वैसे तो, लेकिन फिर भी हमारे पिनियन में ना एक दो जगह दाग हैं, तो कहीं ये ओरिंग कट ना जाए, इसलिए मैं इसमें हल्की सी सिलिकॉन लगा रहा हूँ, बहुत ही हल्की सी मामूली सी, ताकि अगर ओरिंग किसी कारण से टालते हुए कट जाए तो ये लीक ना करे। ठीक है भाई, ऐसा ये ज़रूरी नहीं है, अगर पिनियन हमारा डैमेज ना होता ना, मैं दिखाता हूँ हल्का सा यहाँ से डैमेज है, तो ये ओरिंग जब मैं फंसाऊँगा इसको, हो सकता कट मार दे उसमें। तो उसके बाद जी आगे हमारी ये प्लेट, ये जो प्लेट बैठ गई बिल्कुल, यहाँ से मैंने आपको दिखाया ना इसके अंदर ओरिंग होता है, ये ऐसी बहुत टाइट होती है, लेकिन फिर भी मैंने सिलिकॉन लगा के डाली ताकि अगर यहाँ से तेल जाए तो लीक ना करे, बाहर इसका सील चलती है। अब रह गया हमारा बैरिंग बड़े वाला, ये भी ऐसे ही प्लेट करके जाएगा दो चार सेकंड लेके। ये आई जी मोटे वाली आवाज, इसका मतलब ये अब और नीचे नहीं जाएगा। तो अब लगाते हैं जी सील मासा। तो ये ठोक गया जी बैरिंग, अब रह गया हमारा यहाँ पे मेन सील, वो है ये वाली। तो जी इस, ये है ओरिजिनल सील, इसमें देखो दो लिप हैं, इस साइड एक और ये दूसरा, एक और ये दूसरा, और एक साइड सिर्फ एक लिप है। तो जो सिंगल लिप है वो रहेगा ऊपर की साइड को, मतलब जब इसको अभी उल्टी रखिए ना, मतलब नीचे की साइड को, और जो डबल लिप है वो रहेंगे तेल वाली साइड को, तो तेल को रोकेंगे। तो अभी थोकते हैं इसको, इसमें भी मैं हल्की सी सिलिकॉन हल्की सी लगाऊंगा, क्योंकि बॉडी ओल्ड है, इतनी 100% ओके नहीं है। कैन यू होल्ड दिस फॉर मी, एनी बिलीव नॉडी सी में समझ अबे चे नेता, ये जो किनारी सी है ना ये वाली, सिर्फ इसी में भर रहा हूँ ताकि यहाँ पे आके सील ने टिकना है, वैसे चाहे तो ना भी लगाएं, जरूरी नहीं है, ये कंडीशन कंडीशन के ऊपर है। ओके गेम,
cristiana già è una po'. सील अब सील के मुंह पे लगा देंगे थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि पहली बार जब सील में इसकी प्लेट जाएगी कटे ना ये। ये गियर ऑयल 85-140 नंबर। तो ये अभी हमने पिनियन को उठा के इसमें डालना है, और यही सबसे पंगे वाला काम है, क्योंकि ये जो पिनियन है यहाँ पे ना एक चूड़ी या चूड़ियाँ होती हैं, इसमें आप हुक लगाएं और इसको उठा के डाल सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। तो है ना ओके। तो जी इसमें अगर ओरिजिनल पेनियन होगा ना, यहाँ पे चूड़ियाँ होती हैं, इसको कसो हाथ से उठा के आराम से डाल दो, लेकिन इसमें साले में है नहीं। तो अभी मैंने यहाँ रखी हैं एलन की, हैं कुछ भी रख लो ताकि मेरी उंगली ना जाए इसमें, भारी बहुत है। अब इसको प्योर से डालने की कोशिश करते हैं बिना सील मोड़े। तो ये जी अपना अपना एक्सपीरियंस है काम करने का, अपना अपना तरीका है। आई देखो जी, जब ये डल जाए 0.25 की या कोई मीडियम साइज की फिलर गेज लेके एक बार ना प्यार से इसके दरमियान डाल लो, और ऐसे करके धीरे धीरे से ना पूरा एक राउंड दे दो। अगर सील मुड़ गई होगी तो सीधी हो जाएगी, लेकिन पतली गेज डालना, मोटी डालो तो कट भी जाएगी। वैसे मेरी सील मुड़ी नहीं है, मुझे अपना अनुभव है। अब इसको हम करेंगे सीधा, लेकिन नीचे से इसमें कुछ भी नट नहीं कसा, कुछ नहीं कसा, ये फिर से गिर जाएगा। एक तरीका ये भी है जी, जब साथ में ठीक ठीक बंदे ना हो समझने वाले, तो मैंने अभी इसको उल्टा करके नीचे वाला नट लगवा दिया पहले, ताकि ये पिनियन बाहर को ना निकले जल्दी से। तो अभी कोशिश करते हैं इसको सीधा करने की, फिर से अगर निकल गया तो सील से फिर बाहर आ जाएगा। ये इसी में चीज़ में पंगा होता है इसमें। वैसे तो हम इसको पिनियन को नीचे रख के इसको भी उल्टा डाल सकते हैं, लेकिन फिर पता नहीं लगता सील हमारी सीधी सही है भी और नहीं भी। तो जी इसको रखने के बाद हमने पहले नट लगा दिया था, ताकि ये तीन पीछे को लग रहे। अब नट दोबारा से खोल के अब हम लगाएंगे छोटा बैरिंग और इसको ठोक के फिर दोबारा से नट कस देंगे अच्छे से।
इसमें दो टेपर रोलर बैरिंग होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। जो नई मॉडल की मशीन आ रही है ग्रे बूम वाली, उसमें भी दो हैं, लेकिन उसमें टेपर रोलर बैरिंग नहीं है, डबल बॉल बैरिंग है। अब आ जाएगा ये हमारा नट, चेक नट कसने के बाद ये होती है लॉक प्लेट, ये पिनियन के टीथ में चली जाएगी और इसमें हम नट कस बोल्ट कस लेंगे। ये प्लेट अगर खुलना भी चाहे तो खुल नहीं पाएगी, तो ये चारों होल बोल्ट वाली जगह पे मैच करके लगाने हैं हमने। ये हो गए मैच बोल्ट के बोल्ट्स, और ये आ गए हमारे बोल्ट। जैसे मैंने भी हथौड़ों से पिनियन कसा है, असल में ऐसे नहीं कसा जाता, इसका एक टूल होता है और उसके बाद कंपनी ना इसको उल्टा रख के घुमा के देखती है कि कितना जोर लग रहा है पिनियन को घुमाने के लिए, उसका एक तरीका होता है, फिर किसी दिन बताएंगे। तो अगर ज़्यादा टाइट होएगा तो बैरिंग ख़राब होएंगे, तो ज़्यादा ढील होगा तब भी बैरिंग ख़राब हो जाएंगे, वो हिलेगा। तो उसका एक प्रॉपर वे होता है जी, लेकिन साइडों पर सब चीज़ें नहीं हो पाती। तो अभी हमने इसमें डाला है चारों बोल्ट कस के, इसको लगाएंगे पहले नीचे ताकि इसमें जोर वजन ना पड़े, बाद में सिर्फ प्लेनेटरी गियर डाल के नंबर वन नंबर टू सन गियर डाल के मोटर लगा के कस के दिखाते हैं फाइनल आपको। और ये हो गया हमारा जी इंडक्शन स्विंग बैरिंग का तैयार। इंडक्शन इसको इसलिए बोलते हैं तो स्विंग मोटर चल रही होती है उसके तो आरपीएम बहुत ज़्यादा होते हैं, स्विंग मोटर घूम रही होती है, लेकिन इसमें पहली प्लेनेटरी आएगी वो उसके आरपीएम कम कर देगी, जोर बढ़ा देगी, फिर दूसरी घूमती है उसका और जोर बढ़ जाता है, फिर जब ये फाइनली पिनियन घूमता है तो इतना जोर रहता है कि मशीन आराम से घूम जाए, जबकि मोटर तो बहुत तेज़ घूमती है, जबकि ये उसके स्पीड घटा के जोर बढ़ा देता है, इसलिए इसको रिडक्शन गियर बोलते हैं। इसके ऊपर लगती है स्विंग मोटर, तो दोस्तों जो मैं बता रहा था ये सबसे नीचे जो पिनियन है ना, इसको ये कंपनी वाले क्या करते हैं उल्टा रख देते हैं, ये चीज़ नीचे पिनियन ऊपर, उसके बाद पिनियन को घुमाने के लिए एक टूल होता है उससे घुमा के देखते हैं कि भाई जितना जोर लगना चाहिए उतना लग रहा है तो ठीक है, पिनियन सही टाइट है, अगर कम में घूम रहा है या ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है घूमने के लिए तो मतलब हमारा जो चेक नट है बहुत ज़्यादा टाइट है। तो उसका भी मेथड मैं किसी दिन शेयर करूँगा, साइड पर ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और जो नई मोटर आ रही है ना अभी डिवाइस जो नवी आ रही है वो आ रही है ZF की, तो उसमें क्या होता है ना जो हमने सील डाली बड़ी सी, मैंने सील दिखाई थी डालते हुए, उसमें छोटी सील डलती है वो भी बीच में, ये जो दो बैरिंग है इनके बीच में डलती है, जबकि इसकी सील जो होती है सबसे नीचे होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे के सारे बैरिंग दोनों बैरिंग तेल में काम करते हैं, जबकि वो ZF वाले में सिर्फ छोटा बैरिंग तेल में काम करेगा और जो नीचे वाला बैरिंग है सबसे बड़ा जो बैरिंग था नीचे जो लगा था सील से पहले वो ग्रीस में काम करता है, उसमें ग्रीस करनी पड़ती है कुछ कुछ टाइम पे। तो ये फ़र्क है पुराने मॉडल में नए में। और यहाँ से पाइप लगा देंगे हम ऑयल ड्रेन करने के लिए, यहाँ से तेल निकल जाता है ऊपर से तेल डलता है वो मोटर के पाइप के थ्रू, वो जो उधर कोने में पाइप है ना ये वाला, इससे। तो बस अभी लड़का साफ कर रहा है नीचे जहाँ पर हमने बैठानी है, यहाँ पर हल्की हल्की सिलिकॉन लगा के इसको हम कर देंगे जी रेडी, फिर दिखाएंगे आपको फाइनल वीडियो। को कसने में कुछ नहीं है, सिर्फ हमने 30 नंबर के बोल्ट कसने हैं और मोटर के बोल्ट कसने, पाइप लगाने हैं, ठीक है जी। वीडियो रहती है बहुत लंबी इसलिए फाइनल करके फिर दिखाते हैं चला के। दोस्तों जहाँ पे इसने बैठना देखो वहाँ पे हमने लगा दी हल्की हल्की सिलिकॉन, ताकि जब ये बैठेगी सिलिकॉन फैल जाएगी अपने आप वजन से, तो कभी कभार इसमें वाटर बढ़ जाता है तो इस जगह से कभी ली नहीं जाएगा वाटर, अगर ऐसे सिलिकॉन लगा देंगे हम। तो अभी हम मोटर को लगाते हैं उसकी जगह पे, ये भारी काम है तो वीडियो शायद ही बनेगी, इसको बांध के चार पांच बंदे हम सारे उठाएंगे फिर जाएगी ये, तो इसके रखने के बाद दिखाते हैं।
ये है जी, हमने रस्से में फंसा के इसको नीचे बिठाया और अब लगेंगे बोल्ट्स। तो जी हमने दिया अपनी डिवाइस बैठा और इसको दिया है कपड़े से ढक ताकि इसके अंदर कुछ गिरे ना। तो अब लड़का लगा रहा है देखो बोल्ट वन बाय वन। अब लगे हमारे सारे बोल्ट थ्रेड लॉक के डालेंगे, उसमें हम कस देना जी टक टक। कितनी इसकी टॉर्क होती है हमें इसके उसमें डाल दूंगा। अभी हम कोई टॉर्क नहीं करेंगे, पाइप के साथ लंबे से और ये टी हैंडल ने बनाया हुआ इसके साथ कस देंगे इसको। नीचे सॉकेट वेल्ड करा हुआ है क्योंकि ये लचक नहीं मारता अच्छे से कस देता है। ओके जी, फिर आई मोटर की बारी और इन गियरों की बारी। टेंशन तो ये जी ड्रेन पाइप, ये एक साइड लग जाएगी मोटर डिवाइस में, मैंने आपको दिखाया था उसमें उस जगह, और दूसरे साइड से कभी भी तेल निकालना हो दो चाबियां यहाँ लगती हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। 22 नंबर की इसको खोलो तेल निकल जाता है, ऐसा है सिस्टम हुंडई का। तो अब इसको हम लगाएंगे पहले, फिर डालेंगे इसके अंदर ये गियर्स। ये दिखाना बड़ा मुश्किल है, होस बिल्कुल बॉटम में लगती है ना, तो इसको लगाने देते हैं। इतना ईजी नहीं है इसको सूट करना। गो यू गो। तो ये आ गया जी प्लेनेटरी वन। गो आइज़ैक, बी केयरफुल। ओके,
माय साइड। तो जी ये बैठ गई हमारी मोटर, अब लगा रहे हैं सिर्फ बोल्ट। तो जी मोटर के बाद जितने पाइप लगने हैं, मोटर कैसे कसनी है, इसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है मोटर, सिर्फ मोटर रिपेयर करने की, उसका लिंक डाल दूंगा और देख लेना। तो इसमें कुछ नहीं है, इसके बाद सिर्फ स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको हमारी, और सर्विंग वायरिंग का ग्रीस चेंज करके दिखाएंगे तो, और सब ओके है कि नहीं है। ओके जी, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना जी, शेयर कर देना, धन्यवाद। तो मोटर कसने के बाद हमने लिए जी अपनी मशीन स्टार्ट कर, और इसको लेके जा रहे हैं स्विंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ जगह ही नहीं है स्विंग करने की। और ये वीडियो होती है यहीं समाप्त, अब हमने सिर्फ स्विंग बैरिंग का ग्रीस चेंज करना है, उसमें बहुत गंद भरा हुआ है, तो देखते हैं उसकी वीडियो बनाते हैं कि नहीं। बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी दिक्कत के जी हमारी मशीनरी स्विंग कर। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो जी ज़्यादा से ज़्यादा, फिर और अच्छी कोई वीडियो बना के आपके साथ शेयर करेंगे जब टाइम लगेगा। धन्यवाद। सारा कुछ ओके, हमने वर्किंग करके देख लिया, घुमा घुमा के। अब रह गया स्विंग बैरिंग का ग्रीस, तो वो कहाँ से बदलते हैं। ये जो ऊपर कैप है ना, ये वाला, इसको खोलेंगे, और ऐसा ही कैप एक नीचे होता है, चाहो तो उसको खोलो ना खोलो, नीचे वाले को, ऊपर वाले को खोल के बूम हवा में उठा के मशीन को घुमाना है, धीरे धीरे से ग्रीस निकालनी थोड़ी थोड़ी, और इसको साफ करके नई ग्रीस डाल के बंद कर देंगे जी। ओके दोस्तों, तो जी हमने खोल दिया मोटर के, सॉरी स्विंग मोटर के नीचे वाली प्लेट, बैरिंग के नीचे वाली। तो ये देखो जी पुरानी ग्रीस निकल रही है होल में से, जैसा मैंने होल ऊपर दिखाया था वैसा ही होल नीचे होता है, वो उधर कोने में। तो अगर लिक्विड फॉर्म में हो चुकी है ग्रीस, इसमें तेल मिक्स हो चुका है, तो निकल आती है यहाँ से, नहीं तो मुश्किल ही निकलती है, लेकिन अभी हमारी वाली में तेल मिक्स हो गया था। तो ये धीरे धीरे सारी ग्रीस निकल रही है नीचे, बची कुची फिर हम ऊपर वाले होल से निकालेंगे। ये जो ऊपर वाला होल है, यहाँ से ग्रीस डालेंगे नीचे वाले को बंद करके जी, इसको साफ करते हैं फिर दिखाते हैं। और कल्ला कल्ला अभी हमने धंधा चेक करना है, कोई टूट तो नहीं गया। कम नियर। तो जी अभी मैं जो चेक कर रहा हूँ ये है, मैं कल्ले कल्ले धंधे चेक कर रहा हूँ मशीन को, थोड़ा थोड़ा घुमा के, कोई टूट तो नहीं गया अंदर से। अगर धंधा टूट गया तो हमें स्विंग बैरिंग भी चेंज करना पड़ेगा, ग्रीस चेंज करके अगर काम चल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ये चेक करना पड़ता है कि कोई धंधा तो टूट गया। ओके गो।
तो सारे चेक करके फिर दिखाते हैं। अरे तो दोस्तों बची कुछ ग्रीस लड़का निकाल रहा है, मैक्सिमम मैं निकाल के आ चुका हूँ। तो मैं बताने जा रहा था जहाँ से हम ग्रीस डालते हैं ऊपर से, वहाँ पे एक सील होती है कैप के लिए, और नीचे भी ऐसी होती है। तो गलती क्या होती है, जब सील के ऊपर जो कैप उसको हम कसते हैं, दो बोल्ट होते हैं 17 नंबर के, किसी जगह 19 नंबर के भी होते हैं, तो इतने ज़्यादा कस देते हैं ये रबड़ जो होती है ना निकल के बाहर ऐसे निकल आती है। उस टाइम कोई ध्यान नहीं देता, बस बोल्ट पे ध्यान देते हैं, कसते रहो। तो साइड से फिर पानी जाने लगता है, अंदर पानी भर जाएगा स्विंग बैरिंग के, तो यही हाल होता है। जो इसमें पानी हो रखा है, गारा दिखाई ना मैंने निकाल के, अंदर से ग्रीस और पानी मिक्स हो रखा था। तो इसको कभी भी जब लगाना है तो ज़्यादा ना कसें, उतना ही कसें जितने की ज़रूरत है। अभी निकाल रहा है ग्रीस, उसी होल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी, कैसी लगी वीडियो फिर भी बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। और इसमें बस अब हमने डालना है ग्रीस 220, 215, 210, जितनी भी मशीनें हैं सब में 2010 में 6-6.5 किलो ग्रीस डालता है, मैक्सिमम 7। डालने वाले ग्रीस की पूरी बाल्टी डाल देते हैं, क्या है 15 किलो की, क्या है 20 किलो की है, वो गलत है। इसी करके फिर स्विंग बैरिंग के चारों तरफ ग्रीस हो जाती है। तो लिमिट में ग्रीस डालनी चाहिए हमेशा। सबसे पहले तो जो मैन्युफैक्चरर जिस कंपनी की मशीन है उसका जो शीशा होता है अंदर वाला, उस पर एक चार्ट बना होता है, वहाँ देखो कितना ग्रीस डालना चाहिए। अगर वहाँ नहीं भी है तो 2010 में स्टैंडर्ड है, मुश्किल से 6-7 किलो के बीच में ग्रीस डलेगी। मतलब ये 15 kg की बकेट है, इसकी आधी डलेगी। बंदे डालते हैं दो बकेट तो बाहर ही आएगी, फिर वो निकल के चारों तरफ से। ठीक नहीं, तो कैसी लगी जानकारी, फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बताएँ। धन्यवाद जी।